जिले के ग्राम उन में आ रही नर्मदा पाइपलाइन कार्य में हो रही देरी के खिलाफ यहां के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर कार्य को जल्द पूर्ण करने की मांग की है। समीपस्थ ग्राम पिपरी से ग्राम उन तक आ रही नर्मदा पाइपलाइन कार्य में लेट लतीफी के विरोध में यहां के ग्रामीणों ने आवाज बुलंद की है। ग्राम के भीम गर्जना संगठन एवं मुकेश मंडलोई मित्र मंडल द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर कार्य को जल्द पूर्ण करने की मांग की है। इस दौरान संगठन सदस्यों द्वारा दुकानों एवं बाजार में लोगों से हस्ताक्षर करवाए गए। बता दें कि उन ग्राम में पेयजल संकट के मद्देनजर पीएचई विभाग द्वारा पाइपलाइन डालकर नर्मदा का पानी उन में लाए जाने के लिए कुल 7 किलोमीटर पाइपलाइन स्वीकृत की गई है। लोगों का आरोप है कि कार्य प्रारंभ करते समय 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने की टाइम लिमिट बताई गई थी, किंतु अभी तक कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है एवं शासन प्रशासन की इस लापरवाही एवं ढील पोल का खामियाजा यहां के लोगों को चुकाना पड़ रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार मौन है। अधिकारियों व नेताओं ने वाहवाही लूटने के लिए 15 दिनों में उनको नर्मदा जल देने का वादा और दावा तो कर दिया, किंतु अभी तक इन दावों और वादों पर अमल नहीं हो पाया है। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। हस्ताक्षर अभियान चलाया, किस लिए चलाया? ये हमारे गांव में पिपरी से नर्मदा जल लाने की बात कही जा रही है। ये बात 9 मार्च से कई जिम्मेदार लोगों ने बताया कि 15 दिन में इस गाँव में नर्मदा जल ला दिया जाएगा। 9 मार्च से अगर हम आज तारीख तक काउंटिंग करें तो करीबन 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। हम जब ठेकेदार से बात करते हैं, सरपंच जी से बात करते हैं या जो भी इस पाइपलाइन के जवाबदार लोग हैं उनसे बात करते हैं तो हर बार हमें 8 दिन या 15 दिन की बात करके हमें झूठा आश्वासन देके अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। गांव की जनता पानी के लिए इतनी परेशान हो गई है कि वो पैसे देने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा। कई महिलाएँ 2-2 3-3 किलोमीटर दूर से अपने माथे पर अंडा रखकर पानी ला रही है। कई लोगों ने अपने परिवार के एक सदस्य को काम से छोड़कर केवल पानी लेने के लिए अपने घर पे एक सदस्य बना कर रखा है कि आपको केवल पानी ही लाना है। गांव में पानी की इतनी समस्या हो गई है कि यहाँ के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी एक बार मैंने भी ठेकेदार से बात करी, उन्होंने कहा कि 8-15 दिन में पानी आ जाएगा। 8-15 दिन में तो मौसम विभाग ने बता दिया है कि बारिश होने की संभावना है। गाँव में पानी बंडोर के समय तक आ जाना था लेकिन वो अभी तक नहीं आ पाया। पिपरी और उनके जो बीच की दूरी है वो लगभग 8 किलोमीटर है। अगर शासन प्रशासन तरीके से काम करता तो 2 दिन में अगर 1 किलोमीटर भी अगर खुदाई होती तो तकरीबन 16 दिन में हमारे उनको पानी मिल जाना था। लेकिन आप देख सकते हैं कि लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया है लेकिन उनको अभी तक नर्मदा जल की एक बूंद भी नहीं मिली। और आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी, और हमने यहाँ गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाया है, हम कलेक्टर महोदय को इस संबंध में अवगत करवाएंगे कि जल्द से जल्द वो ग्राम को नर्मदा जल पिलाए। क्या नाम लिखते हो? बबलू निर्वेल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।